नमस्कार बंधुगण, आज टॉप 10 क्वेश्चन पंचायत राज एडब्ल्यू सिविल रो डे 12 आसतु। क्वेश्चन नंबर 1 आरंभ करवा। तो आपणकर क्वेश्चन नंबर 1 होची आपणकर इंजीनियरिंग मेकानिक्स रु स्क्रूजेक कौन। तो यह आपणकर गोटे इनक्लाइन प्लेन सरफेस भाया काम करें स्क्रूजेक कही था। तो एफिशिएंसी ऑफ स्क्रूजेक रो फॉर्मूला होची आपणकर टी थीटा डिवाइडेड बाय टी थीटा प्लस अल्फा। आपणकर मैक्सिमम स्क्रूजेक एफिशिएंसी जतले अल्फा वैल्यू 45 माइनस थीटा बाय 2 हेबो सेतले पाई परबा, एवं जतले आपणकर थीटा वैल्यू देथिबो सेतले आपणकर मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा रे पाई परबा। दी नंबर क्वेश्चन होची आपणकर स्ट्रक्चरल एनालिसिस रु। तो स्टिफनेस कोण आउ स्टिफनेस ऑफ बीम आसंतु देखिबा। तो स्टिफनेस होची आपणकर इट इज द फोर्स और मोमेंट रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट ए जॉइंट सो एज टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन और रोटेशन एट दैट पॉइंट को आम स्टिफनेस कही था। आसंतु देखिबा जेतले आपणकर गोटे फिक्स्ड बीम थिबो सेथिरे केते स्टिफनेस आसिबो, तो तार वैल्यू होची 4EI/L। जितने आप गोटे सिंपली सपोर्टेड बीम थी स्टिफनेस के वैल्यू 3EI/L हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपणकर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रु आपणकर जो ब्रिटिल एवं डक्टाइल मटेरियल रे टेंशन आउ कॉम्प्रेशन फेलियर हेइ थाए आसंतु दहा देखिबा। केस 1 रे होची आपणकर ब्रिटिल मटेरियल अंडर टेंशन, आपण माने जानिथे ब्रिटिल मटेरियल वीक इन टेंशन सेतले जो फेल हुए ताहा प्रिंसिपल ट्रेस पई हे थाए। केस 2 रे होची जतले आपणकर ब्रिटिल मटेरियल अंडर कंप्रेशन थिबो सो सेतले आमा स्ट्रांग इन कंप्रेशन हे थाए एवं फेल्स ड्यू टू शियर रे होइ थाए। सेबडा केस 3 होची आपणकर डक्टाइल मटेरियल अंडर टेंशन, जतले डक्टाइल मटेरियल अंडर टेंशन रे थिबो फेलियर हबो आपणकर शियर रे, एहा कप कोन टाइप फेलियर हबो। सेबडा आपणकर केस नंबर 4 होची डक्टाइल मटेरियल जतले अंडर कंप्रेशन रे नेबा सेतले आमे वीक इन कंप्रेशन हेबो एवं एहारो फेलियर कंप्रेशन यल्डिंग टाइप रो हेबो। सेबरा क्वेश्चन नंबर 4 होची आपणकर कंक्रीट स्ट्रक्चर रु आमे जो चेक करी थाउ लिमिट स्टेट कोलैप्स आउ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी पई आसंतु देखिबा। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स रे आपणकर आमे चेक देखी थाउ फ्लेक्चर कंप्रेशन टेंशन आउ शियर पई। सेबळा आमे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी रे आमे चेक करथाउ एक्सेसिव वाइब्रेशन एक्सेसिव क्रैकिंग एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एक्सेसिव करोशन। एहा आपणकर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 रे दिया हिची आपण माने देखी नेबे। क्वेश्चन नंबर 5 होची आपणकर स्टील स्ट्रक्चर रु आमे जो मिनिमम ओवरलैपिंग वेल्ड पई नै थाउ एवं मिनिमम लेंथ पई वेल्ड नहीं था आसंतु देखिबा। तो आपणकर मिनिमम ओवरलैपिंग लेंथ होची शुड नॉट बी लेस देन 40 और 40 mm व्हिच एवर इज मैक्सिमम। से भले आपणर मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्ड आमे नहीं था 4S बा 40 mm व्हिच एवर इज मैक्सिमम। यह आपणकर इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007 कोड रे दिया हिची। से भलिया क्वेश्चन नंबर 6 होची आपणकर फ्लूड मेकानिक्स रु आमे जो पिजोमीटर नहीं था सिंपल मैनोमीटर नहीं था और मर्क्यूरी बारोमीटर नहीं था तार यूज कोला आसंतु देखिबा। तो पिजोमीटर होची आपणकर स्मॉल और पॉजिटिव प्रेशर मेजर पई यूज करा जाय थाय। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर को आमे मेजरमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एवं नेगेटिव प्रेशर पई यूज करी थाउ और मर्क्यूरी बारोमीटर को आमे लोकल एटमॉस्फेयर प्रेशर आउ एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करिया पई यूज करी थाउ। सेइ भला क्वेश्चन नंबर 7 होची आपणकर इरिगेशन रु आमे इरिगेशन रे क्वेश्चन नंबर 7 होची इरिगेशन रु आमे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नै थाउ हेडवर्क पई आसंतु देखिबा। तो होची वेयर बा अनिकॉर्ड डिवाइड वाल फिश लेडर अंडर स्लुइस रिवर टर्निंग वर्क्स आउ हेड रेगुलेटर। सेबडा क्वेश्चन नंबर 8 होची आपणकर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग रु जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग आप जो करेक्शन प्रोवाइड करथांती हाइड्रोमीटर रे। तो आसंतु देखिबा तो जनरली आमे मेनिस्कस करेक्शन टेम्परेचर कनेक्शन आउ डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन करी थाउ।
तो मेनिस्कस करेक्शन आपंकर टर्बिडिटी को हटेबा जो करेक्शन कराए जाए मेनिस्कस करेक्शन कहूँ यह आम केवल पॉजिटिव होता है। से भाई टेम्परेचर करेक्शन आपंकर जिते आप टेम्परेचर 20 डिग्री सेलसीयस होबनी से आम करेक्शन प्रोवाइड करूँ जिते आपको करेक्शन 20 डिग्री सेलसीयस रु बेसी हेब तो करेक्शन आम पॉजिटिव दे था जिते आम करेक्शन वैल्यू 27 डिग्री सेलसीयस रु कम हेब ताको आम नेगेटिव करेक्शन दे था। से भाई डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होची आपंकर नेगेटिव होता है। आपंकर कंबाइंड करेक्शन मिनिस्कस करेक्शन टेम्परेचर करेक्शन आउ डिस्पर्सिंग एडक्शन करेक्शन को लेकिन कैलकुलेशन करा जाए था। क्वेश्चन नंबर 9 होची आपंकर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आम जो अलग अलग रोड पर क्रॉस स्लोप दे था आसतु देखा तो प्लेन रोड पर आम अप टू 10 डिग्री क्रॉस स्लोप दे था रोलिंग 10 रु 25 डिग्री दे था माउंटेनियस 25 रु 60 डिग्री दे था स्टीप आम ग्रेटर देन 60 डिग्री क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर। से भाला 10 नंबर क्वेश्चन होची आपणकर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एवं टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कौन आसतु देखा तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होची आपणकर हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एवं मैग्नेटिक मेरिडियन को आम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कही था। तो आपणकर टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ डिक्लाइनेशन होची डेली एनुअल सेकुलर इरेगुलर डेली वेरिएशन आपंकर 20 आवर्स कैलकुलेशन कराए एनुअलटा आपंकर इयरली 360 डे कैलकुलेशन कराए सेकुलर वेरिएशन को आम 150 300 इयर कैलकुलेशन करेगुला वेरिएशन को आम अर्थक्वेक वोल्केनिक करोजन कैलकुलेशन करशा करुच्ची आज क्वेश्चन सीरीज आपण मानक भल लगे भल लगे मो चैनल जॉब का नशा को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एवं आपण बंधु मान सहित शेयर करूँ। धन्यवाद। जय हिंद।